हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज कुछ ऐसा सीन है कि मेरी फ्रेंड का हुआ है बेबी, सो वेयर ऑफ टू सी हर एंड द बेबी। आई हैड टू ओरिजिनली गो यस्टरडे बट आई कुडंट। गाड़ी कल बारिश की वजह से इतनी गंदी थी दैट आई जस्ट केम टू द फ्यूल स्टेशन और मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से साफ सफाई कराए बिकॉज मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर भी इतना कचरा। आई डोंट नो व्हाट आतिफ डज बट Anyways, we're getting indeed. And this is the first time Arzan is seeing this. So let's see. इतना सा काम होता है, आज हमारा गाड़ी साफ करने वाला आया ही नहीं, पता नहीं आज बच्चों की भी हेल्प नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, प्रोबेबली बारिशों की वजह से, आई एम नॉट श्योर, आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट आई हैड टू लीव बिकॉज फिर वो अपने घर चली जाएगी। आई ऑनेस्टली डोंट लाइक बॉदरिंग पीपल अलॉट। अगर किसी कोई हॉस्पिटल से जा रहा है तो व्हेन दे गो होम द फर्स्ट थिंग दे वांट टू डू इज रेस्ट, ठीक है? तो इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वरना मेरी कोशिश यही थी कि जब वो घर सेटल इन हो जाए मैं तब जाके मिल लूँ। पर अभी हम चलते हैं, अभी हमने रास्ते में उसके लिए फ्लावर्स लेने एंड ऑल्सो टुमारो इज मदर्स डे। मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने तो मुझे ये गिफ्ट दे दिया है। आई डोंट नो इफ इट वाज सम मदर्स डे और नॉट, बट आई हैव टू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम माय मामा बिकॉज लेना तो है। इनकी तो खुशी देखने वाली है, लुक एट देम, सो हैप्पी। Look at her. Look, Raya. Look at this. अच्छा जी, मैं आई थी यहाँ पे फ्लावर्स लेने के लिए, तो मैंने लिए बड़े प्यारा एक बुके, गाड़ी के अंदर पड़ा तो आपको दिखाऊंगी मैं। अब जी मेरे बच्चों को जुनून चढ़ गया कि उनको बलून चाहिए, तो मैं इनको बलून लेके दे रही हूँ और फिर वी आर जस्ट ऑफ टू द हॉस्पिटल। यहाँ से अब लिटरली आई थिंक 15 मिनट की ड्राइव है, सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। बलून्स ले रहे हैं बच्चों के लिए ताकि ये बिजी रहें और तंग ना करें, सो लेट्स जस्ट गो। अच्छा वैसे मुझे कभी इतना सनफ्लावर क्रेज नहीं हुआ जितना मुझे इस सीज़न में होगा, स्पेशली जब से हमारे घर में लगा है ना, तो आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड। शायद मैं वापसी पे अपने लिए भी लूँगी, लेट्स सी। वैसे आई डू हैव देम एट होम बट आई स्टिल वांट मोर। चलें जी, अभी अभी हम पहुँचे हैं मेरी फेवरेट जगह पे, क्योंकि यहाँ आऊँ और मैं भटूरे ना खाऊँ ऐसे हो नहीं सकता। तो हम पहुँच गए कैपरी के साथ, एक जगह है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सर्दी गर्मी सुबह शाम हर टाइम मिलते हैं भटूरे, तो मैं खाऊंगी भटूरे। बच्चों ने नाश्ता किया हुआ, अगर ये बाइट शाइट ले लेंगे तो कोई बात नहीं, खा लें, बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट। बट आई वांट टू हैव माय भटूरे एंड आई एम गोना एंजॉय माय भटूरे। और अभी आते हैं तो आपको दिखाती हूँ। बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी यहाँ पे, क्या फॉरगेट इट, हम बहस नहीं कर रहे इस बारे में। तो बस अब भटूरे आते हैं तो आपको दिखाती हूँ। एंड जस्ट बाय द वे, ये साइज 12 की खुशी में मैं भटूरे खा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने साइज 12 पहना है, इवन साइज 12 पैंट्स। सो इस खुशी में भटूरे बनते हैं ताकि हम वापस साइज 14 पे जाए। नहीं, कभी कभी अपने आप को ट्रीट दे देने चाहिए। अच्छा भाई, प्लान फेल हो गया। चलो जी, प्लान हो गया फेल, लेकिन हलवा पूरी आ गया और साथ में है अचार, सब ये खाते हैं। हलवा पूरी की लेंगे गरम गरम बाइट एंड वी विल सी। प्लीज, ये व्हाइट कास्ट जो है ना, मेरे सनब्लॉक का है। खैर भाई, हलवा पूरी तो बहुत मजे का, मजा आया, बहुत सालों बाद इतना मजेदार नाश्ता करने का। ऊपर से मेरे बच्चों ने, हमने फ्रंट तो पूरा मैंने साफ करा लिया था, बस पीछे नहीं दिखा सकती मैं, ठीक है, जो कचरा हो गया। इनको अभी ये डुगडुगी लेके दिया, रोज टॉयज नहीं हो सकते, ठीक है ना। आज का मेरा प्लान कुछ इस तरह से, दैट आई वांट टू गो एंड गेट अ हेयर कट, सो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट और नॉट, आई एम नॉट श्योर। अच्छा भाई, मैंने ना, हुआ कुछ हुआ कि मैंने 2.5 से ऊपर पूरी खा ली, मंगाई मैंने 3 थी, पहले 2 खाई फिर एक और मंगाई। अरजान बेचारे ने कितनी खाई होगी, इतनी खाई होगी ना। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरा पूरा दिन कैसा गुजरेगा। चले जी, नाउ असाइड स्लाइट चेंज ऑफ प्लान्स इज दैट आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट विद राया। अरजान इज स्लीपिंग सो आई लेफ्ट हिम एट माय मदर्स हाउस। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, वाज इट वर्थ इट और नॉट। एंड दिस इज अ गिफ्ट टू माय सेल्फ ऑन मदर्स डे दैट आई कैन टेक आउट टाइम फॉर माय सेल्फ। ओके, आई एम लिटरली टेलिंग राया कि राया, Mama's doing this after a very long time, so please don't make me regret this decision. आप आराम से बैठना, तंग नहीं करना, because I normally if I go to any salon I go myself there. I prefer leaving my kids home. But
that was the first time for everything. Allah Malik. So this is the car that I just got from the salon. Ab aapko gaadi mein ja ke dikhate hain because Raya is being difficult. Chalen ji, this is the haircut that I just got. I'm gonna go and get a gift for my mother. I'm still not sure on what to get her. Bye, Shukriya. But we have to get her a gift, so let's see. Thank you ji, bahut bahut shukriya. Khair, I got this haircut from Zara Gul and abhi I'm still not sure about the haircut itself. Thank you. Bahut shukriya. About the haircut itself, because I didn't want them to be really short, but they're short. So let's see. जी तो आपको मैं दिखा तो सकी नहीं थी प्रॉपरली अपना हेयर कट. तो ये फिलहाल मेरा हेयर कट है. आई एम ऑफ टू माई बाप. खाना भी खा लिया बाबा के साथ, थोड़ी देर बैठ भी लिया. अब मैं गई हूँ थक. सो नाउ वी आर ऑफ टू आवर हाउस बिकॉज आई रियली वांट टू रेस्ट. और अब मुझे बहुत ज़्यादा एक मतलब वो कहते हैं ना कि बस आवाज़ आ रही हो रही है आपके, बस मुझे घर जाना है, अपना कमरा चाहिए, अपना बेड चाहिए. ऑल दो आई नो आई विल नॉट बी गेटिंग एनी स्लीप, but I just want to go home now. I want to have a cup of tea. I want to chill. I want to change my clothes. मतलब मुझे easy होना है, मुझे casual wear में आना है. अब बहुत हो गई है. अच्छा भाई, problem अब ये हुई है. आज का सारा दिन everything worked out सही है. The only problem is I cannot figure out what to give mama. Cause अनम कह रही थी कि सूट ले लो. I said मैं कोई सूट लूँगी तो उनको पसंद नहीं आएगा. ठीक है, कलर वाइज ठीक है. केक वो खा नहीं सकती एंड वो वैसे ही नहीं खाती. फ्लावर्स वो वैसे ही नहीं रखती, वो फेंक देती है. तो मैं क्या दूँ? So I said I think we should just give her money and then she can you know just get whatever she wants. But then वो भी अच्छा नहीं लगता. So I'm not sure what to do. चलें जी घर, अब मैं आ गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ. अब मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर पॉज और मिलते हैं ब्रेक के बाद. जी तो मैं चेंज चेंज करके लेट गई हूँ. गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है. चाय को थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं. अभी राइडर का वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने कल अनस्टिच कपड़े आतिफ के लिए खरीदवाए थे डेली वेयर के लिए कैजुअल. तो वो भी एक शर्ट सिल के आ रही है, उसको हमने चेक करना है. साथ में मेरे अनस्टिच कपड़े मैंने मंगवाए थे पीसेज, वो आ रहे हैं, उनको चेक करना है. और से मेरा नहीं राया का भी इसमें पीस है. सो लेट्स सी हाउ इट ऑल वर्क्स आउट. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डे टू ऑफ दिस व्लॉग. बिकॉज कल मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी इस व्लॉग को ख़त्म करने की. मैं रात बहुत जल्दी सो गई एंड मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कल, जिसकी वजह से मैंने सोचा अब इस वीडियो को यहीं पे रोक देनी चाहिए. अभी मैं उठी हूँ तो सुबह के 7 बजे मेरी आँख खुली थी और तब से लेके अब तक यहाँ सिर्फ बारिशें हो रही हैं और बीच में थोड़ी देर रुकती है और फिर बारिश हो जाती है. तो मैं इतफाक़ से उठी नीचे आई थी, मैंने दरवाजे वगैरह खोला, सिक्योरिटी ऑफ की, तो कपड़े मैंने इतफाक़ से अंदर उतार के अंदर ले आई कि कहीं बारिश दोबारा ना हो जाए. वही हुआ, जैसे ही मैं अंदर लेकर आई तो बारिशें. तो अभी बज रही है ऑलमोस्ट 8, तो मैंने सोचा चाय पी जाए और बच्चे अभी सो रहे हैं तो थोड़ी देर ऊपर जाके बैठा जाए. क्या करें मुझे नहीं पता, मैं बहुत बोर हो रही हूँ. बहरहाल सेकेंड डे पे इस तरह से कुछ मेरा हेयर कट लगता है. आई लव इट बट द ओनली प्रॉब्लम विद मी इज मुझे ये चोंच सिस्टम नहीं पसंद. इधर चुट भी बराबर चोंच नहीं होनी चाहिए. एक नॉर्मल टी शर्ट काफ़ी पुरानी है तो अब चाय लेते हैं, ऊपर चलते हैं क्योंकि गला बहुत ख़राब है. अच्छा वैसे गाइस, क्योंकि गर्मी आगे मौसम बदल रहा है, मौसम अभी काफ़ी ट्रिकी हुआ है, बारिशें हो रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है स्पेशली लाहौर में. तो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है. आप जितना पानी पी रहे हैं उतना कम है. सो जस्ट कीप ड्रिंकिंग वाटर. ऑल्सो गाइस, बाबा ने ये मंगाया था आज से कोई 2 साल पहले और हमने कभी यूज़ ही नहीं किया था. दिस इज़ लाइक अ रोटी मेकर. तो अब सुबह सुबह के पराठों से तंग आकर मैंने हालिया निकाला कि इसको मैं मंगाती हूँ. आई एम गोइंग टू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इन माय डेली रूटीन बिकॉज आई कैन नॉट मेक रोटी एंड पराठे, इट्स गेटिंग टू मच ऑन माय नर्व्स. चलिए जी, चाय तैयार हो गई है, लेट्स गो.